नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। कांग्रेस ने इंदौर की 6 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है। इनमें से 3 मौजूदा विधायक हैं, जबकि 3 हारी हुई सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। जिले की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इन सीटों पर भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं। इंदौर 2 से तेज तर्रार निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चिंटू चौकसे बीते चुनाव में भी दावेदार थे, लेकिन टिकट सिंधिया खेमे से जुड़े मोहन सेंगर को मिला था। सेंगर के भाजपा में जाने के बाद क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरा थे। इंदौर 2 नंबर विधानसभा में चिंटू चौकसे को टिकट देने के बाद दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। वैसे यहां रमेश मेंदोला जैसे बीजेपी विधायक से सामना है। इंदौर 2 से चिंटू चौकसे के नाम की घोषणा होने के बाद चिंटू के समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की एवं ढोल नगाड़े बजाकर मिठाइयां बांटी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजा पटेल ने मीडिया से चर्चा की।